शादी में प्रॉब्लम्स आने का कारण हमेशा ही कोई बड़ा नहीं होता, कई बार समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि कब प्यार अपनापन टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड में बदल जाता है। जब तक आपको समझ आए बहुत देर हो चुकी होती है, हैबिट्स बन चुकी होती हैं, पैटर्न सेट हो चुके होते हैं और एक कंफर्ट जोन एस्टैब्लिश हो चुका होता है, एक ऐसा कंफर्ट जोन जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। हेलो दोस्तों, नाम है निशा, चैनल किसे कहानी और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी नॉवल की समरी, नॉवल जिसका नाम है द सीक्रेट विश लिस्ट, लिखा है प्रीति शेनॉय ने। सीक्रेट विश लिस्ट, हर किसी की एक सीक्रेट विश लिस्ट होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कई बार हम अपने आप से कहने में भी डरते हैं, अपने आप से भी हम नहीं कह पाते कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। पर जब हमें अपनी इच्छाओं को मारने की आदत पड़ जाती है तब जिंदगी बहुत नीरस हो जाती है, इसलिए हमें अपनी सीक्रेट विशलिस्ट जरूर बनानी चाहिए। अगर आप भी अपनी सीक्रेट विशलिस्ट बनाए ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत मजा आएगा। फिलहाल बात करते हैं इस नॉवल की द सीक्रेट विशलिस्ट, जो कहानी है दीक्षा की। दीक्षा जो एक बहुत ही बबली लड़की थी, बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थी, इंटेलिजेंट थी, हमेशा जिंदगी को जीना चाहती थी, पॉजिटिव रहती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तनु। जब ये दोनों एक साथ होते थे तो जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती थी, बहुत एंजॉय कर रहे थे हर टीनेज लड़की की तरह। तब दीक्षा की लाइफ में आया अंकित, जिसके आने से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने वो किया जो वो सोच भी नहीं सकती थी वो करेगी, पर एक गलती की वजह से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे तोड़ कर रख दिया और उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। The Secret Wish List एक्चुअल में एक रोलर कोस्टर राइड है फीलिंग्स और इमोशंस की। आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, अपने आप को ढूंढना, अपने आप को समझना, वो है द सीक्रेट विश लिस्ट। हम किसी को भी उसके प्रेजेंट के बेसिस पर जज नहीं कर सकते, हमें उसके सिचुएशन को समझना होगा। आप भी दीक्षा को इस कहानी को सुनने के बाद बिना सोचे समझे जज मत कीजिएगा, समझिएगा उसकी सिचुएशन को, उसे क्यों इस तरह के डिसीजन लेने पड़े। हर किसी को हक है अपनी जिंदगी को संवारने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। इस नॉवल से जो दो चीजें सीखने को मिली है वो ये है कि कोई भी रिलेशन एक इंसान से नहीं चल सकता, दोनों को इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और दूसरा हर किसी को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि आपकी जिंदगी को संवारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ आप पर है। दीक्षा की फैमिली एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। ये लोग अभी रिसेंटली ही पूना से चेन्नई शिफ्ट हुए थे और वहाँ पर दीक्षा को भरतनाट्यम क्लासेस में डाल दिया गया था। दीक्षा सीखना चाहती थी बॉलीवुड डांस, पर उसकी फैमिली में ये अलाउड नहीं था। लड़कियों के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर था, घर से बाहर ज्यादा जाना अलाउड नहीं किया जाता था। वही उसका भाई रोहन जो फुटबॉल भी सीखता था, जो स्कूल डिबेट्स में भी जाता था, उसके दोस्त घर पर आते थे, घंटों कमरे में दरवाजा बंद कर वो बैठते थे, मस्ती करते थे, पर ये सब कुछ दीक्षा के लिए नहीं था। दीक्षा अपने भाई से बहुत जेलस फील करती थी। उसका भाई बड़ा था तो सीनियर बॉयज उसके घर में आते थे और जनरली लड़कियों के पास एक्सेस नहीं होता था सीनियर लड़कों से बात करने का, तो ये एक्सेस दीक्षा के पास भी नहीं था। पर उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु ये कहां मानती थी, बहुत जेलस फील करती थी, कहती थी यार तू बड़ी लकी है, काश मेरा भी बड़ा भाई होता। पर दीक्षा एट द मैक्स उन लड़कों को हेलो कह पाती थी। उन लड़कों में अंकित उत्तम भी था, जो बहुत ही कूल था, जिससे बात करने के लिए लड़कियां तरसती थी, और दीक्षा को ये मौका मिला था उसके बैग के कारण। एक दिन सीढ़ियों पर उसका बैग रखा हुआ था, उसे तो याद ही नहीं था कि कब उसने वो बैग वहां छोड़ा, तो दीक्षा वो बैग उठाकर अपने कमरे में ले आई। थोड़ी देर बाद पता चला कि अंकित का बैग गुम गया है, वो लोग हर जगह उस बैग को ढूंढ रहे हैं। अंकित, रोहन, दीक्षा और तनु चारों ने मिलकर अंकित का बैग बहुत ढूंढा पर कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद रोहन ने सजेस्ट किया कि तुम कल टेस्ट के लिए मेरी कॉपी में से पढ़ लो, एक साथ पढ़ाई करेंगे, उसके बाद तुम घर चले जाना। वाइज डिसीजन। तनु और दीक्षा अपने रूम में चले गए। पढ़ने के लिए जब बैग खोला तो बुक्स निकली अंकित की। एक्चुअल में अंकित का बैग हूबहू दीक्षा के बैग के जैसा था और वो गलती से अंकित का बैग उठा लाई थी। ये देखकर तनु
बहुत एक्साइटेड हो गई थी। एक्चुअली वो अंकित को बहुत लाइक भी करती थी। उसने तब दीक्षा को सजेस्ट किया कि एक नोट लिखा जाए। एक अंकित की कॉपी निकाली गई और उसके लास्ट पेज पर तनु ने लिखा, अंकित आई रियली रियली लाइक यू, आई फॉलो ईच एंड एवरी मैच यू प्ले, आई फॉलो ईच एंड एवरी डिबेट यू टेक पार्ट इन, आई विल नॉट राइट माई नेम, सो यू हैव टू जज हु एम आई, आई नो यू आर स्मार्ट इनफ, यू विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज हु एम आई, माई नंबर एंड आई विल वेट फॉर योर कॉल। ये देखकर दीक्षा बहुत हैरान हो गई थी। दो सीक्रेटली अंकित उसका भी क्रश था, बस फर्क ये था कि तनु ने एडमिट किया था और दीक्षा एडमिट नहीं कर रही थी। खैर, नोटबुक रख के बैग बंद करके दीक्षा ने अंकित को वो बैग दे दिया, जो देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें हग कर लूं। ये देखकर तनु बहुत जेलस फील कर रही थी। ये दोनों नहीं जानती थी कि उन्होंने कौन सा बीज बो दिया है जिससे इन दोनों की जिंदगी बदल जाने वाली है। जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। थोड़ा बहुत तो आप समझ भी पा रहे होंगे कि अब क्या हुआ होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। अंकित को लगा कि ये नोट दीक्षा ने लिखा था और एक्चुअल में वो भी दीक्षा को पसंद करता था, पर दोस्त की बहन कहने से डरता था। सामने से नोट आया तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने दीक्षा को कॉल किया और कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है, वो उसे बात करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, बट दीक्षा ने ही उसे वो अपॉर्चुनिटी दे दी है और वो बहुत खुश है। दीक्षा ने जो अपना हार्ट ओपन किया, जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, उसने उसकी खुशी को नेक्स्ट लेवल पे ला दिया है। दीक्षा थोड़ी देर तो चुप रही। उसे लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, फीलिंग्स तो तनु की थी, बट कहीं ना कहीं सीक्रेटली वो भी तो उसे प्यार करती थी, इसलिए चुप रही। अगले दिन कॉफी शॉप में मिलने का इन लोगों ने डिसाइड भी कर लिया। दीक्षा को बहुत गिल्टी फील हो रही थी। वो तनु के घर गई और बहुत मुश्किल से उसने तनु के सामने पूरी सिचुएशन रख दी। तनु बहुत उदास हो गई थी, बट उसने दीक्षा को चीयर अप किया। उसने कहा कि जब अंकित ने ये एडमिट किया है कि वो तुम्हें पसंद करता है तो इट्स ओके, वैसे भी मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। दीक्षा ने बार बार तनु से कहा था कि अगर उसे बुरा लगे तो वो अंकित के साथ ये मीटिंग कैंसिल कर देगी, क्योंकि उसकी लाइफ में तनु बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तनु के साथ बिताए वो सारे पल वो कभी नहीं भूल सकती। दोनों ने कितना लाइफ को एंजॉय किया है। अंकित के लिए वो तनु को तो नहीं खोना चाहती, बट तनु ने उसे एश्योर किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और दीक्षा को इस मीटिंग के लिए जाना चाहिए। डांस क्लास पर जाना था, 15 मिनट पहले निकल गई और कॉफी शॉप में अंकित से मिली। अंकित ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, उसे कहा कि वो उसे बहुत पसंद करता है और वो बहुत खुश है। उसने बताया कि अगले महीने के एक साइंस एग्जीबिशन होने वाली है जिसमें वो लोग मॉडल बना रहे हैं। स्टूडेंट्स को एक नाइट स्टे करने का मौका मिलेगा घर और स्कूल से दूर। दीक्षा ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हुई थी, बट उसका इंटरेस्ट तो है नहीं। अंकित जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने दीक्षा से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे मॉडल का सारा आइडिया मैं लेकर आऊंगा, तुम्हें अपनी क्लास से एक दो बच्चों को और चुनना है और हम लोगों को एक साथ दो दिन के लिए घर और स्कूल से दूर जाने का मौका मिल सकता है, एक साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। ये बात उसने जब तनु को कही तो तनु भी बहुत एक्साइटेड हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट करूंगी। सारा आइडिया अंकित का था, बस इन लोगों ने तो उस पर वर्क किया था। पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे, बट एक प्रॉब्लम थी। अंकित के साथ दीक्षा का भाई रोहन भी इस प्रोजेक्ट में था और वो भी इन लोगों के साथ दो दिन के स्टे पर जाने वाला था। खैर, ये दोनों प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और वहीं पर हुई एक बहुत बड़ी गलती जिसने दीक्षा की जिंदगी को बदला। दोनों ने रास्ते में नोट्स एक्सचेंज किए, क्योंकि बात तो करना पॉसिबल था नहीं, भाई भी तो था वहां पर। नोट्स में अंकित ने उसे रात को 12:30 बजे मिलने के लिए कहा, सबके सोने के बाद। दीक्षा की हालत तो ऐसी थी कि अंकित जो कहेगा वो करने के लिए तैयार थी और वो रेडी हो गई। रात को सबके सोने के बाद वो जब अंकित से मिलने बाहर गई तो दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरह हग किया, एक दूसरे को बहुत हंग्रीली किस कर रहे थे। कुछ नहीं पता था आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, पर वहां पर आ गए रोहन, उनकी मैम और एक और लड़की। दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दीक्षा को ऐसे लग रहा था कि धरती खुल जाए और वो उसमें समा जाए। उसके लिए सब कुछ इतना एम्बैरेसिंग हो गया था। एम्बैरेसिंग तो बहुत ज्यादा अंकित के लिए भी था, और रोहन ने तब अपने बेस्ट फ्रेंड अंकित को सबके सामने बहुत तेज मुक्का मारा था। उसके बाद
ऑब्वियसली रोहन और अंकित की दोस्ती तो टूट ही गई थी, बट दीक्षा के घर वाले भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने तो नहीं वाले थे। उन लोगों ने दीक्षा को वहां से निकाल दिया और केरला में एक गर्ल्स हॉस्टल में डाल दिया। उसके बाद जैसे दीक्षा अपने लिए बोलना भूल गई थी, अपनी जिंदगी को जीना भूल गई थी, जैसे उसके पेरेंट्स उसे डायरेक्ट कर रहे थे, उसने वैसे ही सब कुछ किया था। 19 साल की उम्र में जब वो सिर्फ सेकंड ईयर में ही थी, तब उसकी शादी संदीप से कर दी गई थी जो उससे 8 साल बड़ा था। वेल ऑफ था, अच्छा कमाता था, अच्छा घर था, बट उसकी इच्छा, उसकी पसंद नापसंद किसी ने नहीं पूछी थी और उसने सरेंडर भी कर दिया था। एक बहुत पुराने टाइम की हाउसवाइफ की तरह ही वो जिंदगी जी रही थी। सुबह उठती, अपने पति के लिए चाय बनाती, नाश्ता बनाती, घर का सारा काम करती, रात का खाना बनाती और सो जाती। संदीप एक बुरा इंसान नहीं था, पर दोनों के बीच में कोई प्यार का रिश्ता भी नहीं था। सब कुछ बहुत ही मैकेनिकल था। दोनों का एक बेटा हो गया था जिसका नाम इन्होंने अभय रखा था। अभय के आने के बाद दिशा की जिंदगी में एक और इंसान आ गया था जिसकी उसे दिन रात केयर करनी थी। उसे ये सब कुछ बुरा भी नहीं लग रहा था। आज अभी 9 साल का हो चुका है, शादी को 15 साल हो चुके हैं। उसकी जिंदगी मोनोटनस है, पर उसे उसकी आदत पड़ चुकी है। पूरा हफ्ता वो घर में काम करती और सैटरडे संडे अपनी सास के घर में जाकर बिताती। दोनों कभी कहीं घूमने भी नहीं जाते थे, कभी बात भी नहीं करते थे। संदीप के लिए उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके बाद उसके लिए अपना बच्चा और फिर माँ। दीक्षा तो बिल्कुल लास्ट में आती थी और उसकी खुशियों के लिए संदीप कभी सोचता भी नहीं था। दीक्षा को फर्क नहीं पड़ता था उस दिन तक जब तक विभा उसके घर आई। विभा उसकी कजन थी जो कि हैदराबाद में रहती थी। बैंगलोर वो एक बिजनेस मीट के लिए आई थी। प्रोफेशनल थी, अच्छा काम करती थी, 3 साल की बेटी थी उसकी, अच्छा लाइफस्टाइल था, मॉडर्न थी। जब उसने दीक्षा की लाइफ देखी तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने कहा कि तुमने अपनी जिंदगी को ये क्या बना लिया है। संदीप और तुम्हारा बेटा तुम्हें एक कुक और मेड से ज्यादा नहीं समझते, हर समय ऑर्डर देते रहते हैं, दीक्षा चाय लाओ, दीक्षा कॉफी लाओ, दीक्षा नाश्ता कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मेरे बुक्स कहाँ है, मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं हुए। बस यही, कभी संदीप तुम्हारे लिए एक कप कॉफी नहीं बना सकता, या फिर कभी तुम्हें घुमाने बाहर नहीं ले जा सकता। आखिर ये सब कुछ क्या है, तुम क्यों ऐसी जिंदगी जी रही हो। शुरू में तो दीक्षा ने अपनी लाइफ को डिफेंड करने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए खाना बनाना, उनका काम करना। अपने घर में काम करने से आप नौकर थोड़ी बन जाते हो। विभा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें यही जिंदगी पसंद है तो यही सही, मुझे अजीब लगा इसलिए मैंने कह दिया। बट एक्चुअल में विभा की बातों ने दीक्षा के मन में लगी आग पे तेल डाल दिया था। दीक्षा जो बातें अपने आप को कहने से भी डरती थी, वही बातें उसे विभा ने कह दी थी। दोनों के बीच में एक साइलेंस हो गई थी। तब विभा ने कहा था आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, प्लीज बुरा मत मानो। दीक्षा ने कहा नहीं, तुम कहीं ना कहीं सच ही तो कह रही हो, ऐसी ही तो है मेरी जिंदगी, बिल्कुल हॉलो। वो बहुत रेस्टलेस हो गई थी, उसे लग रहा था क्यों मेरी जिंदगी भी अच्छी क्यों नहीं है, आखिर मुझ में क्या कमी है। मैं इंटेलिजेंट थी, जिंदगी में कुछ कर सकती थी, बट संदीप ने मुझे नौकर बनाकर रख दिया। शुरू शुरू में तो जब वो संदीप के लिए खाना बनाती तो संदीप उसकी तारीफ भी करता था, पर अब तो वो भी खत्म हो गया था। उसकी जिंदगी सिर्फ संदीप और अभय के आसपास सिमट कर रह गई थी। वो खुद क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, इस बारे में वो कभी सोचती ही नहीं थी। उसने एक दिन संदीप से बात करने की कोशिश भी की। संदीप टीवी देख रहा था, उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, तब उसने टीवी बंद कर दिया। संदीप ने उसे ऐसे देखा जैसे कि उसने मर्डर कर दिया हो। मैं टीवी देख रहा था ना, तुमने बंद क्यों किया। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ संदीप। बोलो क्या बात करनी है। कभी तो मेरे साथ बैठकर बात किया करो ना। हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, हम कोई रोमांटिक कपल नहीं है, आखिर क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम। 15 साल पहले भी कौन सा ही तुम मुझसे बात करते थे। मेरी जिंदगी बिल्कुल नीरस हो चुकी है, कुछ मायने नहीं है। संदीप बैठ गया था और उसने दीक्षा की बात को सुनने की कोशिश की थी। उसने कहा था मैंने तो तुम्हें कभी कुछ करने से रोका नहीं ना, ये तुम्हारी चॉइस थी, तुमने डिसाइड किया था कि तुम घर पर रहोगी। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया। कहीं ना कहीं ये बात सच तो थी। संदीप ने कभी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया था, पर उसने उसे कभी कोई खुशी भी तो नहीं दी थी। एक बार उसने पूछा था संदीप को कि क्या हम आज वीकेंड पर कहीं घूमने जा सकते हैं।
तब संदीप ने उसे ऐसे देखा था जैसे कि वो उसे उसकी माँ से दूर करना चाहती हो। दीक्षा को डांट दिया था, उसके बाद उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। संदीप के पास बहुत पैसे थे और वो दीक्षा को देता भी था, पर दीक्षा को उसका हिसाब संदीप को देना पड़ता था। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी खर्चा कर ले। उसका क्रेडिट कार्ड भी बनाया हुआ था, बट उसे यूज करने का हक नहीं था उसके पास। अगर यूज किया तो संदीप को एक्सप्लेनेशन देनी होगी। पिपा के जाने के बाद दीक्षा पूरा समय अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रहती कि उसे कुछ करना चाहिए, अपनी जिंदगी को सुधारना होगा उसे। पर क्या वो नहीं समझ पा रही थी। एक दिन बहुत रेस्टलेस होकर उसने विभा को कॉल भी किया था। विभा ने कहा था, यार आई एम सॉरी, मैंने उस दिन तुम्हें वो सब कुछ कहा, वो बिल्कुल गलत था। अच्छी खासी तो है तुम्हारी जिंदगी। दीक्षा ने कहा, अब तुम मेकअप करने की कोशिश मत करो, मेरी जिंदगी बहुत बुरी है और मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। जिस पर विभा ने कहा था कि कुछ दिनों के बाद वो वापस बैंगलोर आएगी, तब ये लोग बात करेंगे। पर उसका मौका मिलने से पहले एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी विभा के साथ हो गई। विभा के हस्बैंड की सडनली डेथ हो गई, उन्हें स्ट्रोक आया था। जब विभा ने दीक्षा को कॉल करके बताया तो दीक्षा बहुत दुखी हुई थी। संदीप ने ये दुख भी उसका उसके साथ शेयर नहीं किया था। कहा था कि अगले दिन मेरी प्रेजेंटेशन है और मुझे ऑफिस जाना जरूरी है, तुम अकेली हैदराबाद चली जाओ। दीक्षा बहुत अकेला महसूस कर रही थी, उसके पास कोई भी नहीं है जिससे वो अपनी मन की बात शेयर कर सके। संदीप का कंसर्न सिर्फ ये था कि अगले दिन अभय स्कूल कैसे जाएगा, घर का काम कैसे होगा, जिस पर दीक्षा ने कहा था कि तुम्हारी मॉम इस सब में हमारी हेल्प कर देंगी। दीक्षा की मदर इन लॉ एक्चुअल में बहुत अच्छी लेडी है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। पता नहीं संदीप जैसे लड़के को उन्होंने कैसे जन्म दिया। हर सिचुएशन में वो दीक्षा की मदद करती थी, बट संदीप उसके लिए भी दीक्षा को सुनाता था। हमेशा कहता था कि दुख में मेरी माँ ही तुम्हारे काम आती है, तुम्हारी माँ कभी काम नहीं आती। अबे हुआ तब भी सब कुछ मेरी माँ ने ही किया था। हालांकि उस समय दीक्षा की माँ बहुत बीमार थी, संदीप ये जानता था, बट स्टिल काम तो उसकी माँ आई थी ना। खैर टिकट्स बुक करा ली थी, पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, बहुत उदास थी दीक्षा। अगले दिन सुबह वो विभा के घर चली गई थी। वहां का माहौल बहुत डिप्रेसिंग था, उसकी छोटी सी 3 साल की बच्ची दीक्षा से आकर लिपट गई थी। हालांकि विभा के लिए सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल था। उसने दीक्षा से कहा था, तुम थोड़े और दिन नहीं रुक सकती। दीक्षा ने अपनी मदर इन लॉ को कॉल किया था, उनसे पूछा था, उन्होंने हाँ कह दिया था। कहा था जब तक विभा को तुम्हारी जरूरत हो तुम वहीं रुक जाना, मैं सब संभाल लूंगी। संदीप गुस्सा जरूर हुआ था। संदीप ने कहा था, थोड़े दिन और भी रुक जाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा। खैर उसने मना तो नहीं किया था और दीक्षा वहीं रुक गई थी। पहली बार संदीप और अभय के बिना उसे एक्चुअली अच्छा लग रहा था। उसने विभा की बहुत मदद की थी सारे फाइनेंसेस हैंडल करने में, उसके हस्बैंड का बैंक अकाउंट, उसका इंश्योरेंस, सब कुछ उसने संभाला था। विभा ने कहा था, तुम फाइनेंस में कितनी अच्छी हो, तुम्हें इसी फील्ड में जाना चाहिए था। क्या हाउसवाइफ बन गई। खैर तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से तो बहुत बेहतर है। विभा की ये बात सुनकर दीक्षा हैरान हो गई थी। उसने कहा था, मेरी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी से बेहतर, मेरी जिंदगी कितनी खराब है तुम सोच भी नहीं सकती। विभा ने कहा था, हाँ बट तुम्हें समय तो है ना कि तुम अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ बिता सको, उन दोनों की केयर कर सको। मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ समय ठीक से बिताया ही नहीं। वो कितना कहते थे कि हॉलीडे पर चलो, पर मेरे लिए मेरा काम ही इम्पोर्टेंट था। दीक्षा सही समय पर सही डिसीजन हमें लेना चाहिए। काश मैंने कुछ और समय अपने हस्बैंड के साथ बिताया होता, काश हम कुछ और हॉलीडेज पर गए होते। तुम्हारे पास मौका है दीक्षा, जिंदगी के साथ जो चाहती हो वो करो, अपनी जिंदगी को सुधारो, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ, अपना मन मारकर मत जियो। पूरा दिन काम करते और रात को बैठकर दीक्षा और विभा ढेर सारी बातें करते। दीक्षा विभा का सारा दुख बांट रही थी। पर एक दिन विभा ने दीक्षा से कहा, तुम अपनी लाइफ के बारे में इतना कंप्लेन करती रहती हो तो कुछ करती क्यों नहीं। नहीं जानती क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, बस लगता है कि मुझे जिंदगी सवारनी है, सुधारनी है, कैसे ये नहीं जानती। विभा ने कहा, हर चीज को करने का तरीका होता है दीक्षा, और इसका भी तरीका है। उसने एक नोटपैड लिया, दीक्षा के हाथ में रख दिया, पेन दे दिया और कहा, लिखो तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हो। दीक्षा ने तो एक लंबे समय से अपने बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं।
वो जानती भी नहीं कि वो क्या करना चाहती है, उसकी इच्छाएं क्या हैं। वो सब कुछ तो जैसे वो मार चुकी है। पर विभा ने एक नोटपैड खुद ले लिया था और एक दीक्षा को दिया था, कहा था चलो दोनों लिखते हैं कि हम अब अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। जब तक हम लिखेंगे ही नहीं, हम कैसे अपनी जिंदगी को सुधार सकेंगे। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले एक प्लान तो बनाना होगा, सोचना तो होगा, चाहे वो चीजें वियर्ड ही क्यों ना हो, इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट लिखो तो। विभा के फोर्स करने पर, उसके इंसिस्ट करने पर दीक्षा ने लिखी थी अपनी सीक्रेट विश लिस्ट। और वो सीक्रेट विश लिस्ट क्या थी? नंबर वन, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ हॉलीडे विद फ्रेंड्स नॉट फैमिली। सेकेंड, आई वॉन्ट टू डू स्नॉकलिंग। थर्ड, आई वॉन्ट टू गेट ड्रंक। फोर्थ, आई वॉन्ट टू लर्न साल्सा। फिफ्थ, आई वॉन्ट टू वेयर अ बिकिनी। सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विद अ गाय अदर देन माई हस्बैंड। जब ये लिस्ट दीक्षा ने पढ़ी थी तो उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने ये क्या लिख दिया। वो लिस्ट को फाड़ देना चाहती थी, तभी विभा ने उसके हाथ से वो लिस्ट छीन ली थी। दीक्षा और विभा उस दिन बच्चों की तरह लड़ रहे थे। दीक्षा कह रही थी अभी मैं ये लिस्ट तुम्हारे साथ शेयर करने को तैयार नहीं हूँ, बहुत सारी स्टूपिड चीजें मैंने लिख दी है। विभा कह रही थी वही स्टूपिड चीजें तो मुझे पढ़नी है, दिखाओ। दीक्षा की लिस्ट पढ़कर विभा चुप हो गई थी। दीक्षा को लग रहा था कि वो बहुत हंसेगी, पर विभा ने कहा दीक्षा इसमें से 5 चीजें मैं कर चुकी हूँ, हाँ 6 चीज ना मैंने की है और ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बट ये लिस्ट अनअचीवेबल नहीं है, ये 5 चीजें तुम इजीली कर सकती हो। दीक्षा ने कहा था तुम बहुत लकी हो, पर मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ ठीक है, 6 मैं करना भी नहीं चाहती, बट पहली 5 चीजें भी मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। विभा की लिस्ट वो बिल्कुल सिंपल लिस्ट थी, जो चीजें दीक्षा करती आई है। उसका बच्चा जब स्कूल से आए तो घर पर होना, उसके लिए खाना बनाना, उसे खाना सर्व करना, प्यार से खिलाना, उसके लिए बेड टाइम स्टोरीज पढ़ना, उसे साइकिलिंग सिखाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। दीक्षा ने कहा था और तुम ये सब कुछ कैसे करोगी? विभा ने कहा था कि मैं 1 साल का ब्रेक ले रही हूँ और मैं अपना पूरा समय अपनी बच्ची के साथ बिताऊंगी। तुम बताओ कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगी? अब मेरी लाइफ का एम्बिशन बन गया है तुम्हारी इस विश लिस्ट को ट्रू बनाना। ये विश लिस्ट एक्चुअल में बड़ी इम्पॉसिबल लग रही है ना? दीक्षा ये सब कुछ कैसे कर पाएगी इतनी कंजर्वेटिव फैमिली में रहते हुए? क्या दीक्षा अपनी सीक्रेट विश लिस्ट को अचीव कर पाई? चलिए वो जानते हैं। फिलहाल दीक्षा वापस बैंगलोर आ गई, दिमाग में वही विश लिस्ट उसके घूम रही थी। कैसे करेगी उसे पूरा, क्या करे, क्या स्टेप्स ले, वो नहीं समझ पा रही थी। सबसे पहली चीज जो वो कर सकती थी वो था साल्सा सीखना। उसने अपने आसपास सर्च किया, तब उसे पता चला कि पास ही में साल्सा क्लासेस हो रही हैं। उसने वहाँ कॉल करके रजिस्टर करवा दिया। चलो एक बार ट्रायल क्लास तो लेकर देखें, बाद में संदीप से बात करेंगे। संदीप जो इतना ऑर्थोडॉक्स है, उसे सलवार कमीज के अलावा कुछ नहीं पहनने देता, साल्सा में कभी नहीं जाने देगा। फिर भी वो ये करना चाहती थी, उसे अपने लिए स्टेप लेना होगा। विभा ने तब उसे एक ऐप के बारे में बताया था जिसका नाम था ब्लास्ट, जहां आप अपने पुराने फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हो। विभा के कहने पर दीक्षा ने उस ऐप पर रजिस्टर कर दिया था। कंफर्मेशन मेल आ गई थी, क्या पता आपको अपना कौन पुराना दोस्त मिल जाए, उस मेल के नीचे लिखा था। खैर दीक्षा साल्सा क्लास में गई थी। वहां जो टीचर था गौरव, बहुत ही हॉट, बहुत ही हैंडसम, बिल्कुल एक फिल्म स्टार लग रहा था। 5 और लोग थे, सबने मिलकर साल्सा किया था और दीक्षा को बहुत मजा आया था। वो बचपन से ही तो डांस सीखना चाहती थी, वो ये करना चाहती है। पर जानती है कि संदीप तो कभी एग्री नहीं करेगा। उसने सोच लिया था कि वो संदीप को नहीं बताएगी, विभा को बताया था तो वो बड़ी एक्साइटेड हुई थी, बहुत खुश हुई थी। अब एक प्रॉब्लम ये भी थी कि फीस कैसे भरेगी। विभा ने कहा था फीस के पैसे मैं दे दूंगी, पर तुम क्लासेस जरूर अटेंड करो। अब एक और प्रॉब्लम आ गई थी, वेस्टर्न कपड़े भी चाहिए। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी दीक्षा की, वो लेकर वो मॉल चली गई थी और उसने कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लिए थे। वहीं उसे गौरव भी मिल गया था, जिसने कहा था चलो लंच साथ में करते हैं। दीक्षा ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि वो मैरिड है, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत खूबसूरत है, बहुत यंग है, मोटी भी नहीं हुई है, बहुत स्मार्ट लगती है। तब उसने गौरव को कहा था कि मुझे घर जल्दी पहुंचना है, मेरा बेटा स्कूल से आ रहा है। ये सुनकर गौरव हैरान हुआ था, कहा था तुम तो मैरिड ही नहीं लगती। दीक्षा हंस दी थी,
तब गौरव ने कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, आज ना सही कल लंच पर मिलते हैं। अगले दिन लंच पर मिलने की बात डिसाइड हो गई थी। दीक्षा के चेहरे पर आजकल एक अजीब सी खुशी आ गई थी जिसे उसके पड़ोसी भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे। एक दो पड़ोस की औरतों ने तो पूछ भी लिया था, क्या बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है क्या। दीक्षा ने हंसकर उनकी बातों को टाल दिया था। अगले दिन सुबह जब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आई तब संदीप भारी खड़ा था। उसने बताया कि उसकी मॉम गिर गई है। ये लोग मॉम के घर चले गए थे, उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए थे, वहां पर एडमिट करा दिया था। संदीप अपनी मॉम के लिए भी वहां रुका नहीं था। उसने कहा था कि मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा, तुम संभाल लेना। मॉम को ये बहुत बुरा लगा था। उन्होंने कहा था कम से कम मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स आने तक तो रुक जाता। दीक्षा ने एक बार फिर संदीप को डिफेंड किया था। कहा था, मॉम उसे पता है ना मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। गौरव के साथ लंच डेट कैंसिल करनी थी। दीक्षा ने देखा था कि उसकी मदर इन लॉ सो रही है, तो उसने गौरव को कॉल कर लिया था। कहा था कि आज नहीं आ पाऊंगी, आई एम सॉरी, तो परसों लंच पर मिलते हैं। मॉम की नींद खुली थी, उन्होंने ये सुन लिया था। दीक्षा डरी थी, तब उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो, मैं संदीप को कुछ नहीं बताऊंगी। दीक्षा ने उन्हें सारी बात बता दी थी, बता दिया था कि वो सालसा सीखना चाहती थी और क्लासेस में गई थी। मॉम ने कहा था कोई बात नहीं, मैं संदीप को समझा दूंगी, जिस पर दीक्षा ने कहा था वो नहीं समझेगा, इसलिए आप उसे कुछ मत कहना। खैर उन दोनों के बीच का ये सीक्रेट हमेशा रहेगा, मॉम ने ये प्रॉमिस किया था। उसके बाद उस दिन वो मॉम को अपने साथ ही अपने घर ले आई थी, क्योंकि उनका पैर अभी ठीक नहीं था और वो अकेली नहीं रह पाएंगी। यहाँ रह रही हैं तो मॉम भी देख पा रही हैं संदीप का बिहेवियर। वो किसी भी काम में दीक्षा की हेल्प नहीं करता, उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उसे लगता है कि मैं पैसे कमाता हूँ तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बाकी सारी जिम्मेवारियाँ दीक्षा को ही संभालनी चाहिए। मॉम देख रही है कि कैसे दीक्षा पूरा दिन भागती रहती है दोनों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे संदीप का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे पापा तो ऐसे नहीं थे, वो हर काम में मेरी मदद करते थे। दीक्षा हंसने लगी, उसने कहा पर माँ संदीप तो शुरू से ऐसे ही हैं। माँ के होने से घर में थोड़ी पॉजिटिविटी तो थी, पर दीक्षा के दिमाग में है और भी बहुत सारी चीजें। उसे लंच पर भी जाना था और लास्ट नाइट जब उसने कंप्यूटर पर अपनी ईमेल चेक की तब एक ईमेल आई थी जिसने उसकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ा दी थी। किसकी थी ये ईमेल और क्या होने वाला है दीक्षा की जिंदगी में, कैसे वो पूरी कर पाएगी अपनी सीक्रेट विश लिस्ट को, ये सब हम जानेंगे। बट आपको फिलहाल करना होगा इंतजार, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं इस नॉवल की सामरी का लेकर आऊंगी कंटिन्यूएशन। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया क्या? आप वीडियो सिर्फ सुनकर मत जाइए, प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और नई नई वीडियोस आपके लिए लाने की। इसी के साथ दीजिए इजाजत, स्टे फिट स्टे हैप्पी एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।